ये जो है लेक के इस तरफ है, और मैं जो शिव जी की भव्य मूर्ति का कह रहा था, ये रहे हमारे भोले बाबा। क्या बात है। नमस्ते। हाय। बहुत बहुत धन्यवाद है इनको। माय गॉड क्या जगह है, एकदम अजीब सा लग रहा है। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ लाइव में देख पाऊंगा। ओहो वाव। रामेश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले व्रजम। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वक्त मैं हूँ पोखरा नेपाल में, जैसे आप सभी को पता है, और इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले पोखरा के कुछ अट्रैक्शंस। ऐसे तो बहुत सारे अट्रैक्शंस है, लेकिन हम करने वाले चार पांच मेन अट्रैक्शंस जो कि मस्ट विजिट प्लेस है इफ यू एवर विजिट टू पोखरा नेपाल। हो सकता है इस वीडियो में चारों अट्रैक्शंस कवर ना कर पाऊ, हो सकता है सिर्फ दो ही अट्रैक्शंस कवर कर पाऊ और बाकी के दो अट्रैक्शंस आगे के वीडियो में मिलेंगे। जो भी है जैसा भी है, लेकिन ये पक्की बात है कि आपको मजा जरूर आएगा। लसत कुंडलम गोकुले व्रजमनम। तो बेसिकली दिन की शुरुआत ट्रिप से करनी है, लेकिन थोड़ा सा पेट पूजा भी होना चाहिए, जिसके वजह से मैं अभी आया हूँ पंजाबी रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हलान चौक के वहाँ पे ही है। और जस्ट मैंने अभी उत्तपम मंगाया, उत्तपम खाऊंगा, उसके बाद निकलते टूर करने के लिए पोखरा की। रुदन्तं मूर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। रुदन्तं मूर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्। तो ये हमारे ड्राइवर साहब है, और बस गाड़ी वहां रोक ली जाती है, और ये थोड़ा सा जो ऊपर है, जो अप स्टीप है, वो थोड़ा चढ़ाई करनी पड़ती है। और सच में ये साथ में आ रहे, लेकिन थोड़ी थकान हो रही है, क्योंकि काफ़ी कम से कम 4 मिनट तो हो गए। और रास्ते की बात करूं तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, उसके बाद तकरीबन 20 मिनट का रास्ता ना बहुत बेकार था। मतलब नया रास्ता बन रहा है, आप देख सकते हो कि पीछे ये काम भी चल रहा है रास्ते का। तो बेसिकली इस जगह का नाम है पुमडीकोट व्यू पॉइंट, जहाँ पे शिव जी की भव्य मूर्ति है, और ये अभी चालू हुआ जस्ट 1 महीना पहले। एक हफ्ते पहले ही अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन 1 हफ्ते पहले ही चालू हुआ है। मैं थोड़ा आगे से व्लॉग करता हूँ, यहाँ पे बहुत शोर आ रहा है। ये आप देखो, वहाँ पार्किंग किधर हुई थी, वहाँ से ऐसा 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 करके ऐसा 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 करके अभी आए हैं। ड्राइवर साहब आप लोग कमाल हो, आप लोग को आदत रहती है, इसलिए इतना कठिन रास्ते में भी आप बिना कोई तकलीफ के चला देते हो, और अभी मेरे साथ चढ़ाई भी कर रहे हो। सही है, डेली हमारा ड्यूटी है। हाँ। तो बाय द वे इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं, आप जब भी पोखरा हो तो इनसे कॉल करना और इनकी सर्विस लेना टैक्सी के लिए, या आपको अच्छे रेट में पोखरा काफ़ी चीज़ें घुमा लेंगे। वाओ व्हाट एन अमेजिंग व्यू। वो रहा फेवा लेक, मेरी हॉस्टल वगैरह उस तरफ है, लेक के उस तरफ, और ये जो है लेक के इस तरफ है, और मैं जो शिव जी की भव्य मूर्ति का कह रहा था, ये रहे हमारे भोले बाबा। क्या बात है। तो मैंने टैक्सी ली, 3,000 नेपाली रुपया किराया है, तकरीबन 7 घंटा जाएगा 4 से 5 अट्रैक्शंस करने के लिए। तो उस हिसाब से मैंने इनसे कल ही डील कर ली थी, 3,000 नेपाली रुपया, यानी कि होता है 2,000 इंडियन रुपीस। अभी बात यह है कि जब सारी चीज़ें खुल जाएगी ना, तब आप कुछ कुछ चीज़ें पब्लिक बस से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें भी दिक्कत होगी कि आपको 2-3 बसें चेंज करने की, ये करने की, वो करने की। और ये जगह तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई बस नहीं आती है ना, यहाँ पे आपको प्राइवेट गाड़ी वगैरह लेके ही आनी पड़ेगी, जिसके वजह से सही है यार 2,000 इंडियन रुपीस में आप कर सकते हो 6 से 7 घंटे के लिए, और एक दिन पूरा पोखरा इस तरीके से घूम सकते हो। आपको नाम तो पूछा ही नहीं आपका, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलप्रसाद। कुलप्रसाद जी हाँ, अरे मैंने नंबर सेव किया था, सॉरी कल ही मैंने इनका नंबर सेव किया था, कुलप्रसाद जी पोखरा टैक्सी अंकल। अच्छा ये क्या धर्मशाला है कि कुछ है? कुछ रहने के लिए, यात्रियों के लिए होटल जैसा कुछ? हाँ कुछ
कचरा वगैरह इधर फेंकना नहीं चाहिए। वो तो सही बात है, पहाड़ों में लोग पता नहीं क्यों इतना गंदा कर लेते। ये सही है कि 500 रुपया जुर्माना होगा। और ये रहा, वाह अच्छा लकी है हम। देखो ये पोखरा में ऐसी जगह है जो कोई अब तक नहीं आया रहेगा, इंडियन ट्रैवल यूट्यूबर या फिर कोई ट्रैवल यूट्यूबर एज ऑफ नाउ, बिकॉज ये एक हफ्ता पहले ही खुला है, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपने देखा ही है। तो वन ऑफ द फर्स्ट ट्रैवलर आप कह सकते हो, यूट्यूबर आप कह सकते हो कि हाँ मैं हूँ। और थोड़ा मेरा ऐसा छाती छौड़ा भी हो रहा है। मैं शूज़ नहीं उतार से, मतलब शूज़ उतारना रहता है ना इसलिए, लेकिन इतने भगवान जी इतने नज़दीक है तो मेरे हिसाब से मैं तो यही उतार लेता हूँ और आगे नंगे पैर ही जाना ठीक रहेगा, है ना। गणपति बप्पा मोरिया, शिव जी, शिवलिंग, मतलब ये बनना अभी बाकी है, कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ नहीं, आप देख पा रहे हो काफ़ी चीज़ें बाकी है, लेकिन जब बनेगा ना वाओ क्या बनेगा। और अभी भी मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है, शब्द नहीं है, क्योंकि इतने ऊपर बैठे हमारे भोलेनाथ इतने ऊंचाई पे विराजमान है। और ये पोखरा का ब्यूटीफुल सा व्यू, क्या शानदार व्यू है। ओए होए होए होए, अच्छा वो सारंगकोट है क्या सामने वाला पहाड़? अच्छा वहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है, अगर आपको पता है कि पोखरा में पैराग्लाइडिंग कहाँ होती है तो सारंगकोट वहाँ होती है। हाँ देखो वो हो रहा है लेकिन दिखेगा नहीं, लेकिन पंगा ये है कि अभी पैराग्लाइडिंग है बंद, बिकॉज एक हफ्ता पहले ही ये खुला है पोखरा काठमांडू वगैरह, जिसकी वजह से आम टूरिस्टों के लिए वगैरह पैराग्लाइडिंग है बंद। जो भी आपको एक दो दिखेगा तो नहीं, जाहिर सी बात है बहुत दूर है, बादल है इतने सारे, मुझे दिख रहा है नेकेड आई से बट कैमरा से नहीं दिख पाएगा। जो भी अगर वो चला रहे दो तीन लोग, वो सेल्फ है, मतलब पर्सनल है, उनके साथ कोई ऐसा पैराग्लाइडर नहीं है। अरे वाह ड्राइवर साहब, आपने भी निकाल दिए क्या जूते उधर? अरे वाह बहुत सही क्या खूबसूरत है यार, ओहो हो हो, पूरी दिख रही है पोखरा सिटी, पूरी दिख रही है। ये लेक साइड है, हाँ बरोबर, इसका डैम नहीं दिख रहा है ना? अच्छा इस साइड है ना, ओके। और वो क्या है, वो व्हाइट कलर का है वो मंदिर? विश्व पगोड़ा, फिश पकोड़ा, अच्छा शांति स्तूपा, ओके। और कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, मतलब यहाँ से मैं पता लगा सकता हूँ कि पोखरा सिटी कोई छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी है। और कितनी सही जगह पे, मतलब आप देख सकते हो कितने पहाड़ और पहाड़ों के बीच, वाव यार कमाल की जगह है सच में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन का काफी काम चल रहा है। एक्चुअली ये जगह ऑफिशियली खुली नहीं है, आगे दशहरा आने वाला है जिसकी वजह से ये टेम्पररी खुली गई है। और अभी हम जा रहे हैं 10 किलोमीटर दूर, मतलब नीचे उतरेंगे पहाड़ से, फिर 10 किलोमीटर दूर है डेविड फॉल्स। नमस्ते, हाय। तो ये है आपका घर? हाँ ये है पहला पुराना। अच्छा पुराना, अभी नया कहाँ पे? अच्छा ये नया है और ये पुराना है। पुराने में जो बात है वो नए में कहाँ होती है ना, गांव की याद दिला देती है। बर्फ गिरता है यहाँ पे, गिरता है बर्फ? ओके। मैं और ड्राइवर साहब ऐसे ही बैठे थे, स्लाइस पी रहे थे, तो फिर जो दुकान है इन्हीं की दुकान है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपको दुकानें ऐसी मिल सकती है जहाँ पे आप रिफ्रेश हो सकते हो। हालांकि अब तो और नया नया सब चीज़ें बन रही है, जिसकी वजह से होटल्स, रेस्टोरेंट्स, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बन रही है। तो मैं और ड्राइवर साहब यहाँ पे स्लाइस पी रहे थे, तो वही बातें हो रही थी, कहाँ से? मैंने कहा मुंबई से हूँ। फिर मैंने कहा आप कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा यही घर है, पुराना भी है नया भी है। मैंने कहा देख सकता हूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। तो बस थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि एकदम अंदर से या फिर 5 मिनट 10 मिनट लगा दियो, 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए मैंने कहा थोड़ा सा एक शॉट ले लेता हूँ। और सच बताऊँ तो मेन कारण क्या था पता है? वो बच्चा, जो हाथ में जो बच्चा था ना, उसने मेरा मन मोह लिया था, जिसके वजह से मैंने कहा कि हाँ चलो मैं चलता हूँ। क्या बोलते हैं इसको? छटपट, लेकिन मुंबई में इसको बोलते हैं भेल, और ऐसे कुरमुरा भी बोलते हैं। हाँ तो इसको जेली दे दो। हाँ 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 बेटा, ओ ले ले बस। ओ नहीं जेली नहीं, बच्चे को, बच्चे को, बच्चे को काफी चीजें बोलते हैं, जैसे बेटा बोलते हैं, बेटा बेटी, और क्या बोलते हैं? बहुआ भी बोलते हैं आप लोग का? बहुआ 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 बच्चा को बिहारी यूपी में बोलते रह गए शायद। हाँ। ये बिहारी हो गया भाषा बहुआ। अभी जो आप रास्ता देखोगे तो बोलोगे ओहो, लेकिन जैसे ही आप व्यू को देखते हो तो कहोगे ओहो। ओ
भाई आज इतनी कड़क धूप लग रही है जिसका कोई जवाब ही नहीं, मतलब बारिश का मौसम था जिसकी वजह से इतने दिन तो एकदम ठंडा रहा, चाहे काठमांडू में हो या पोखरा में भी दो तीन दिन गए एकदम ठंडा था, एकदम चिल था, लेकिन आज ओए होए ऐसा लग रहा है गर्मियों के मौसम में अपना मुंबई कैसा रहता है, बस वैसा ही है। तो अब हम यहाँ से जाने वाले, एक तो गुप्तेश्वर महादेव केव जो कि बहुत फेमस है, और दूसरा डेविस फॉल जो कि सामने ही है, डेविस फॉल जो कि सामने है। तो पहले हम केव जाते हैं, यहाँ का एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद डेविस फॉल जाएंगे, ठीक है। इति दृक्स्वलीला भीरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तं अख्यापयन्तम्। इति दृक्स्वलीला भीरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तं अख्यापयन्तम्। तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेम तस्तं शतावृतिवन्दे। तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेम तस्तं शतावृतिवन्दे। वरं देव मोक्षां न मोक्षां वदं वा न चन्यं वृणेहं वरिषादपि या। वरं देव मोक्षां न मोक्षां वदं वा। अच्छा ये क्या चीज है? पत्थर एकदम वाइट वाइट। ओहो वाओ, ऐसा लगता है बर्फ है लेकिन ये बर्फ नहीं है, पत्थर है ना ये। सही है बहुत। ये कोई बनाया नहीं है, सीढ़ी तो बनाया है। हाँ ऊपर का ये कोई बनाया नहीं। अच्छा ये सीढ़ी सिर्फ नया बनाया है, और देख सकते हो बहुत नीचे है ये तो। वाओ, मतलब सोचा नहीं था। और ये सब कितने साल पुराना होगा? ये जमीन शीशा है ना। हाँ उसका जमीन का पानी है ना, ये गिरते ही रहेगा, गिरता ही रहता है ये सब, कोई भी 365 डेज। अच्छा डेविस फॉल का रास्ता यहाँ से भी है, और ये बारिश में बंद रहता है ये दरवाजा? हाँ क्योंकि पूरा पानी भर जाता होगा। 5 महीना बंद रहता है ये दरवाजा क्योंकि बहुत ही नीचे उतर गए ना अभी, इतना नीचे तो जाहिर सी बात है कि बारिश में क्या हाल होता होगा इसका तो कोई अंदाजा नहीं है। अप्रैल में जून जुलाई। अच्छा ये 4 महीना है ये गेट बंद रहता है, और मेरी हाइट 6 फीट है जिसकी वजह से इतनी मेहनत लग रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। माय गॉड, हाँ बहुत तेज हवा आ रही है। वाओ, और वो भी सामने आगे डेविस फॉल्स है राइट। तो जो मैंने रास्ते में बताया था कि एक तरफ है ये मुक्तेश्वर महादेव का केव है, और दूसरी तरफ उस तरफ है डेविस फॉल्स। तो अभी रास्ते से जाने की जरूरत नहीं है, वहां से भी जाएंगे ताकि ऊपर से दिखेगा डेविस फॉल्स तो बेटर लगेगा, लेकिन ये हम देखो अंदर से जा रहे हैं जो कि बहुत अमेजिंग है, एकदम ऐसा लग रहा है अनटच जगह में आए हैं कहीं तो। वाओ, और जो हवा आ रहा है ना और हमारे ड्राइवर साहब जो कि गाइड बने हुए है हमारे, जो कि बहुत बहुत धन्यवाद है इनको। माय गॉड क्या जगह है। अच्छा पत्थर गिरता है, सील वो बनाया है पूरा। माय गॉड, ऐसी जगह तो मैंने सोची नहीं थी। बहुत तेज आवाज आ रही है वाटरफॉल की, ऊपर ही झरना है, बहुत तेज आवाज आ रही है, और हम अब और नीचे जा रहे हैं, हमें थोड़ा डर भी लग रहा है लेकिन बहुत मजा आ रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है। अरे बाप रे, एकदम अजीब सा लग रहा है, तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ लाइव में देख पाऊंगा। ओहो वाओ, माय गॉड, वो दिख रहा है आपको वाटरफॉल? एक मिनट और फोकस करता हूँ, फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। या वो रहा वाटरफॉल, कितना बड़ा है। किसी भी वाटरफॉल के मैं इतना नज़दीक, मतलब ऐसा छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। यहाँ से आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज वाटरफॉल है। अब जब हम उस तरफ जाएंगे रास्ते से, तब हम ऊपर से दिखाएंगे कि कितना बड़ा है।
अभी वापस से ये टास्क करना पड़ेगा। नहीं अभी तो यहाँ पे इतना नहीं झुकना है। हाँ वो रहा वहाँ पे, वो है मेरा, मेरे लिए सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क, इम्पोर्टेंट नहीं डिफिकल्ट टास्क थोड़ा सा। इदं ते मुखां भोजम् अत्यन्त नीले वृतं कुन्तलै स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखां भोजम् अत्यन्त नीले वृतं कुन्तलै स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताघरा। बस उस तरफ है मुक्तेश्वर केव जहाँ से हम आए हैं और ठीक सामने ये रहा डेविस फॉल, जो वाटरफॉल हमने देखा था बस ये ऊपर से दिखेगा। तो वहाँ पे 100 नेपाली रुपया चार्ज था जो कि होता है 60 इंडियन रुपीस, और यहाँ पे 80 नेपाली रुपया चार्ज है जो कि तकरीबन 50 रुपया होता है इंडियन करेंसी में। सामने ना उधर उधर ही तो थे हम, मुक्तेश्वर गुफा से जो नीचे से वाटरफॉल दिख रहा था ना यही धार दिख रही थी पूरी, उधर थे हम वो तरफ। हाँ इधर से इतना नहीं है जितना उधर से, इसलिए उसका 100 रुपया था इसका 80 रुपया। गर्मी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुम्या नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नंत लीलाय देवाय।